वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसीए चैनल में स्वागत है फ्रेंड। और मैं आपका दोस्त अदनान सैयद। और फ्रेंड मैं इस चैनल पे नवा हूँ और इस चैनल मैंने अभी आज ही एडिट कर रहा हूँ इस चैनल को। तो दोस्तों इस चैनल पे मैं एक्चुअली मेरा ये पहला चैनल नहीं है यूट्यूब पे, मेरा एक्चुअली बहुत से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जैसा मेरा VFX चैनल हुआ जो टैग वीडियो का चैनल था, इससे पहले एक और चैनल था मेरा जो है रॉन्ग टू हेल जो कॉमेडी का जो अभी तक चल रहा है, और लास्ट चैनल है जो थर्ड नंबर चैनल है जिसका नाम है रॉन्ग टू ये द हॉरर हिंदी चैनल। दोस्तों ये इस पर द हॉरर हिंदी चैनल पर मैं अभी तक मैंने कोई कहानी लिखी नहीं है, एक्चुअली मैं इसको रिलीज़ करके कुछ एक महीने दिन हुआ है उसको। और फ्रेंड मैं आज ये फिर से खोल रहा हूँ चैनल। तो ये चैनल काय का है और किस चीज़ का है तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कोई वेबसाइट के बारे में, यूट्यूब से हर जुड़ी जानकारी के बारे में, जैसे यूट्यूब के आप चैनल रिलीज़ करते हो आपके लिए क्या करना चाहिए, चैनल के लिए क्या मोनेटाइजेशन कैसी होती है, मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, व्यूज़ कैसे लाना चाहिए, लाइक कैसे लाना चाहिए, कमेंट कैसे लाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये इस चैनल के ऊपर मैं आपको सब बताऊँगा, सब सिखाऊँगा, अच्छी जानकारी दिखाऊँगा। दोस्तों ये मेरा चैनल एक्चुअली जो VFX चैनल है वो बैंड हो चुका है। एक्चुअली मेरा जो बहुत से कॉपीराइट मैंने वीडियो दिखाई थी, एक्चुअली जब मैं नवा आइटम था मेरे कॉपीराइट के वीडियो की वजह से मेरा चैनल को बैंड कर दिया गया। एक्चुअली मैं बहुत दुखी हो गया हूँ दोस्तों, तो इसीलिए मैं वो चैनल बंद करना पड़ रहा है मुझे उसी को ऐसा। एक्चुअली उस चैनल को मैं बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हर चीज़ इस चैनल पर लाऊंगा, जैसे कोई वेबसाइट के बारे में, कोई अच्छी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये चैनल मेरा, उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल बढ़िया से चलेगा, और मैं देखता हूँ कि आपका मेरे अच्छे फॉलोवर्स होंगे तो इसको भी कुछ मदद करेंगे मेरे फॉलोवर्स। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को, इस चैनल को इतना ऊपर लाऊंगा मैं अभी, और मैं इसमें दिन रात मेहनत करूँगा फ्रेंड। मैं इसमें कभी कोई कॉपीराइट वीडियो नहीं, कोई किसी का डुप्लीकेट लेके नहीं बनाऊंगा। खुद अपने जो मेरे पास एक बुक है जो यूट्यूब की बुक बोल के मैं आपको दिखाऊंगा, यूट्यूब की बुक नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, जो यूट्यूब की बुक रहती है, जो कैसी बुक है यूट्यूब जिसमें सब लिखा रहता है, हर चीज़ जानकारी लिखी थी यूट्यूब के जरिए, क्या करना चाहिए यूट्यूब को, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, जो यूट्यूब से अलग होना चाहिए। अभी जो एक्चुअली फ्रेंड पहले क्या होता था, आप जैसा चैनल का भी अपने चैनल नवा चैनल रिलीज किया तो फ्रेंड मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक अपने आप पे आ जाए, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाने की, जैसा आपने चैनल अभी रिलीज किया तो लगे चैनल आ जाने की, लगे ऐड आ जाने की। तो दोस्तों मेरा ऐसा ही हुआ है आज, क्या एक्चुअली मैंने चैनल रिलीज़ किया और चैनल रिलीज़ करके मैंने अच्छे खास सारे सब्सक्राइबर कमा लिए, 1K सब्सक्राइबर कमा लिए, कितने से 1.5 महीने में मैंने इतने सब्सक्राइबर अच्छे से कमा लिए फ्रेंड, 1.5 महीने में बढ़िया इतनी मेहनत करा मैं फ्रेंड। एक्चुअली मैं टैग चैनल था तो मैंने इसमें इतनी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया मैं। एक्चुअली मुंबई में जहाँ मैं जॉब करने का था, संडे के दिन मुझे छुट्टी लेने की मुंबई के अंदर, तो दोस्तों मैं मुंबई घूमने जाने का, मुंबई पूरा घूमने का संडे दिन मुंबई में घूमने का, वहाँ पर मैंने टैग वीडियो का चैनल रिलीज़ किया था ना, तो उस चैनल पर मैं बहुत मेहनत किया। तो हर महीने में कम से कम उसमें, एक्चुअली दोस्तों मैंने एक महीने में कम से कम 30 वीडियो अपलोड कर दी थी, मुझे एक पर डे के अंदर एक वीडियो अपलोड किया। एक्चुअली मैंने तो संडे के दिन जाने पर, संडे के दिन में मैं 4-5 वीडियो शूट कर लें, 7 वीडियो शूट कर लेने का 7 स्पॉट के। एक्चुअली मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने का। पर दोस्तों एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मेरे पास कम से कम $50 मेरे पास आ चुके थे फ्रेंड। बाद में मेरे जो चैनल ग्रो होने लगा तो वहाँ पे गूगल उसके पास गया तो वहाँ पे मेरा चैनल बैंड हो गया। तो दोस्तों इसीलिए मैं बहुत नाराज़ हो गया, मैंने यूट्यूब चलाना छोड़ दिया एक महीने तक मैं नाराज़ हो गया था, जैसा मेरा मन ही लगने का नहीं यूट्यूब के अंदर कुछ, इसके अंदर मन ही लगने का नहीं दोस्तों। फिर मैंने कुछ मन के अंदर हुआ कि चलो भाई मैं फिर से एक बार एक हर इंसान को एक चांस मिलना चाहिए, तो मैंने अपने आप को एक चांस दिया कि हमें एक चांस ले लें। एक्चुअली दोस्तों ये यूट्यूब बोले ऐसी चीज़ें इंसान को उससे लत लग जाती है, जैसा बहुत से लोगों को नशा लग लत रहती है, बहुत सी चीज़ को ऐसी अजीब चीज़ से लत लत रहती है। तो दोस्तों यूट्यूब जो लड़का, अगर जो यूट्यूबर है वो अगर जब तक यूट्यूब पे एक दो वीडियो अपलोड ना करते जब तक वो उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वैसे ही था। तो फ्रेंड आज मेरे फिर से मैंने ये वीडियो आज बनाया और फर्स्ट वीडियो मेरे लिए है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों किसी का कॉपीराइट मत कीजिए, कॉपीराइट से बहुत बड़ी मुश्किल होती है, और किसी को शेयर करेंगे तो उन्हें रिक्वेस्ट करना भाई अगर तू वीडियो ओपन कर रहा है तो वीडियो कम से कम 50% है, बाद में ही वीडियो कट करना। एक्चुअली आप वीडियो बहुत से लोग 50% नहीं देते, 30% में ही कट कर डालते, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों इसकी वजह से अपने चैनल बहुत डिफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली जब मैंने जब नवा चैनल खुला था तो मेरा अच्छे सब्सक्राइबर मैंने 1.5 महीने में कम से कम मैंने इनका जो यूट्यूब की जो अर्निंग्स होती है जो मैंने 4,000 की अर्निंग्स कर डाली थी, टाइम 4,000 अर्निंग का टाइम कर डाला था। पर दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरे को पता नहीं क्या मेरे साथ इतनी बहुत दुख की बात हुई थी मेरे साथ। तो इसीलिए दोस्तों आपका मेन मोनेटाइजेशन है
दूसरा आप बहुत सी मेहनत करो तो मेरे फ्रेंड इस वीडियो में, और इसके बाद में आपको रोज की रोज नवी नवी वीडियो आती रहेगी। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। चलो ओके, बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।